वो संत ने कहा देखो जिनकी चरण का नूपुर में अपना हाथों में पहना दूंगा। बोले भैया तू कैसे संत हो, वो हमारी घर की बहू है, वो तो घर से बाहर नहीं निकलती है। अच्छा चाहते हो दे दो, नहीं तो भैया को बुला कर लाएंगे, नहीं तो तुम्हारी धुलाई होगी। बोले जो कुछ बोल दो। गुरु जी ने कहा उनके चरण में नूपुर पहनाना, मैं तो पहना करके ही छोड़ूंगा। तो उन्होंने जा करके श्री किशोरी जी को बोले, बोले किशोरी जी वो संत मान ही नहीं रहे हैं, कहते वो कह रहे हैं अपना हाथों में ही पहनाएंगे। बोले उसको बोल दो ये हमारी घर की बहू, वो ऐसे नहीं आएगी, पहले आंखों में काला पट्टी बांध दे फिर आएगी। जब उन्होंने काला पट्टी बांध दी, राधा रानी स्वयं वहां पर आई। वो संत अपना हाथों से श्री किशोर जी के चरण में अपना नुपुर पहनाए और उन्होंने राधा जी के चरण को धारण करते हुए बोले हे राधे जब आप इतने दूर तक कृपा की हो मुझे दर्शन दे दो। राधा रानी आंखों को ऊपर से काला पट्टी खोल दी और उन्होंने श्रीमती राधा रानी को उन्होंने दर्शन किया है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। देखो ये कलियुग की कथा है, ये चैतन्य महाप्रभु भक्तों का कथा है, इसलिए सांडिल ऋषि कहते देखो वज्रनाभ अभी कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी कृष्ण पूर्ण रूप में ये ब्रज में है, लेकिन दर्शन कैसे मिलेगा। बोले जब ब्रज धाम की तुम सेवा करोगे, ठाकुरों को तुम प्रकाशित करोगे, ठाकुर का कृपा होगी, फिर राधा जी की कृष्ण दर्शन मिलेगा। फिर उन्होंने पूरा ब्रज मंडल को प्रकाशित किया, कहा नंदगांव, कहा बरसाना, कृष्ण कहाँ खड़े होकर गिरिराज उठाए, कहाँ पर राधा रानी मान की, कहाँ पर मान सरोवर, जहां पर राधा रानी रो रो करके मान में आंखों के आंसुओं से सरोवर बन गया, कहां प्रेम सरोवर, कहां राधा कृष्ण द्रवीभूत होकर के जहां पर प्रेम सरोवर बना, कहां राधा कुंड, कहां श्याम कुंड, कहां पर कृष्ण गैया चराया करते थे, कहां पर कृष्ण खड़े होकर बंसरी बजाया करते थे। उन्होंने पूरा ब्रज मंडल को प्रकाशित किया और जैसे जहां जहां पर ठाकुर जी लीला की उसी के अनुरूप उन्होंने वैसे लीला, उन्होंने स्थान का नाम भी रखा और ब्रज में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये जितने सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित किया है। और विशेष करके एक ठाकुर जी है, ये बच्चे किसके बच्चे हैं, ये बच्चे को गोद में रख लो। इसलिए एक ठाकुर जी उन्होंने प्रकाशित किया जिनका नाम था साखी गोपाल। अब लोग जगन्नाथपुरी गए हो, कौन कौन पुरी गए हाथ उठाओ तो, एक दो बताओ कौन जाना चाहते हो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ भी कोई नहीं उठा रही, जाने के लिए कोई तैयार नहीं, आप सबको हम ले चलेंगे ठीक है। इसलिए जब जगन्नाथपुरी जाओगे, जगन्नाथपुरी से एक स्टेशन पहले उसका नाम है साखी गोपाल। बोले साखी गोपाल का क्यों नाम पड़ा, इस कथा को आप लोग ध्यान देकर सुनो। ये वज्रनाभ ने कौन सा ठाकुर को स्थापन किया है। बोले एक समय दो ब्राह्मण तीर्थ घूमने के लिए निकले, एक जवान और एक वृद्ध। जो जवान ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी उन्होंने सेवा की और उन्हें सारे तीर्थ घुमाते घुमाते वृंदावन में जहाँ रंग जी का मंदिर देखे होंगे ठीक उसको सामने गोपाल जी का मंदिर था, रात को वहीं पर रुके। और बड़ा विप्र इतने खुश हो गया छोटे विप्र से, बोले देख बेटा अगर तू नहीं होता मैं कभी ये धाम दर्शन नहीं कर सकता था, तू बेटे से भी ज्यादा मेरी तुमने सेवा की, मेरे घर में एक प्यारी बेटी है, जब मैं वापस जाऊंगा अपना बेटी को तेरे साथ में मैं शादी दिलाऊंगा। उसने कहा देखो आप मेरे पिताजी की बराबर हो, आपको बेटी को शादी करने के लिए मैंने सेवा नहीं की, आप ब्राह्मण देवता पिता की बराबर इसी भाव से हमने सेवा की, आप तो कह रहे हो बेटी को देने के लिए लेकिन आपका घर वाले राजी नहीं होंगे। बोले क्यों। बोले यद्यपि हम दोनों ब्राह्मण हैं, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण, मैं छोटे कोटि का ब्राह्मण हूँ, पहले तो बड़ा विचार होता था अभी भी विचार है, परिवार राजी नहीं होंगे। बोले बेटी मेरी, मैं देना चाहता हूँ, घर वाले क्या बोलेंगे। बोले अगर वहां जाकर मुकर गए तो। बोले ये ठाकुर जी साखी है, ये गोपाल जी को मैं साखी करके बोलता हूँ। घर में वापस आए, वृद्ध ब्राह्मण परिवार को बुलाए, बोले ऐसे ऐसे बात है, परिवार वाले तो बड़े बिगड़ गए। बोले हम उच्च जाति का ब्राह्मण छोटे जाति का ब्राह्मण कैसे अपना बेटी को देंगे, दुनिया में हमारे मुंह दिखाने का भी हम लायक नहीं रह जाएंगे, हमारे परिवार वाले क्या बोलेंगे। बोले मैं ठाकुर को साखी करके आया। बोले पत्थर क्या बोलता है थोड़ी,
वो पत्थर है, वो क्या बोलेगा? बोले नहीं, मेरे को तो विश्वास होता है। बोले चिंता मत करो, अगर वो पूछने के लिए आए ना, अब इतनी सी बात बता देना, मैंने क्या बताया नहीं बताया मेरे को याद नहीं, बस हम सब देख लेंगे। छोटा ब्राह्मण आया, बोले क्या हो गया, आप तो आकर चुपचाप यहाँ पर हो गए हो। इतने में उसने इतनी सी बात बता दी, मैंने क्या बताया नहीं बताया मेरे याद नहीं। बच्चों को तो सुजोग मिल गया, डंडे लेकर के आए। बोले दुष्ट, हमारे पिताजी के पास में बहुत सारे पैसा था, तुमने धतूरा खिला करके सारे पैसा हड़प लिया, और हमारी बहन को शादी करना चाहते हो, डंडे लेकर के मारने दौड़े। वो ब्राह्मण तो भाग गया, लेकिन ग्राम पंचायत को बुलाया। ग्राम पंचायत बोले कोई साखी है क्या? बोले हाँ, वहां पर तो गोपाल जी को हमने साखी करके आए थे। बच्चों को तो मौका मिल गया, बोले जा गोपाल जी को बुला करके ले आ। लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर आएंगे ही, इतने भक्त था जरूर ठाकुर आएंगे। चलते चलते फिर वृंदावन आया, कहां से? उड़ीसा से। ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी वो बड़ा विप्र ने आपको साखी मान करके बताया था बेटी को शादी देगा, और वहां जाकर मुकर गया, बोलते मैंने कुछ बताया नहीं, इसलिए आपको जाना पड़ेगा साखी देने के लिए। देखो ठाकुर जी बोल पड़े, इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम, बोलो द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते हैं। भगवान सब कुछ कर, ठाकुर स्वयं बोले। ठाकुर जी क्या बोले? बोले तुमने कभी सुना है ठाकुर जी चलते हैं? बोले चलते नहीं तो ठाकुर जी बोलते कैसे? जब आप बोल रहे हो आपको जाना पड़ेगा, फंस गए ठाकुर जी। बोले ठीक है, देखो इतना दूर जाऊंगा, पहले मेरे को एक किलो चावल का खिचड़ी बना कर खिला। तो उन्होंने बनाया, ठाकुर खा लिया पूरा के पूरे। बोले जब मैं चलूंगा तेरे पीछे पीछे मोड़ करके देखना नहीं, नहीं तो मैं खड़े हो जाऊंगा। बोले पता कहीं चलेगा आप आ रहे हो? बोले मेरे प्यार में नुपुर बंधा हुआ, नुपुर का छमछम छमछम आवाज होगी, इससे पता चलेगा सचमुच से ठाकुर जी वृंदावन से। ठाकुर जी चलते चलते उड़ीसा तक, कटक तक आ गए ठाकुर जी। अभी वहां पर रेतियों में ठाकुर जी के पैर धसना शुरू हो गया, वो नदी थी। अभी नुपुर का आवाज हो गया बंद। ब्राह्मण ने सोचा यहां तक तो आवाज आ रही थी, यहीं आ पर आवाज कैसे बंद हो गई? बोले अगर मोड़ करके देखूं ठाकुर जी खड़े हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, अभी हम पास में आ गए, फिर हम गांव वासियों को बुला लूंगा। उन्होंने मोड़ करके देखा तो ठाकुर जी बंसुरी बजाते बजाते ठाकुर जी वहीं पर खड़े हो गए। बोले और मैं नहीं जाऊंगा, जाओ राजा को मंत्री सबको बुला करके ले आओ। उसने जाकर के पुरी में उड़ीसा में हल्ला मचा दी। गोपाल जी वृंदावन से चलते चलते साखी देने के लिए आए, राजा मंत्री उनकी रानी और पूरा के पूरा राज्य का लोग भागते हुए आए। ठाकुर जी चलते चलते आए वृंदावन से, और जब आए ना सबके सब, राजा ठाकुर जी सबके सामने साखी दिया। बोले हाँ ये बात सही है, ये ब्राह्मण मेरे को साखी करके बताया था, लेकिन ये परिवारों के दबाव में आकर यहीं पर मुकर गया है, लेकिन ये बात सही। ठाकुर स्वयं बोले ठाकुर जी। अभी शादी हुई, राजा को साथ में रानी आई थी। पहले राजा तो बड़े भक्त होते थे, पुरी के राजा तो बहुत बड़े भक्त जगन्नाथ जी के, उनकी रानी थी। रानी ने देखा बड़ा सुंदर ठाकुर जी है। रानी को पास में एक हीरे की बेसर था, नाक की हीरे की बेसर, बड़ा कीमती बेसर। उसने मन मन में सोच करके गई, अगर ठाकुर जी की नाक में छेद होता तो मैं ठाकुर जी की हीरे की बेसर में पहना देती। इतने सोच सोच कर गई, किसको बोली नहीं। जब रानी सो गई ना, ठाकुर जी सपने में आए। बोले महारानी आपकी इच्छा है नाक में बेसर पहनने की? मैं जो छोटा बच्चा था ना, गोपाल बच्चा था, मेरी मैया जसोदा ने मेरे नाक में छेद करके रखा, अभी भी वो छेद है, लेकिन वो मिट्टी में ढका हुआ है। तो सोने की बेसर लेकर के आ और उसको हटाना, मिट्टी को देखना छेद है। रानी स्वप्न देख करके राजा को उठाए, बोले ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देख। बोले चलो हम चलते हैं। सचमुच से आ करके देखा ठाकुर को नाक में छेद है और उन्हें हीरे की बेसर पहना है। अभी भी अगर कभी जाओगे ना, कभी सौभाग्य होगा, कभी उड़ीसा जाओगे पुरी जाओगे, वो ठाकुर जी को जरूर दर्शन करके आना।
उसले ठाकुर का नाम श्री साखी गोपाल है, उस स्टेशन का नाम भी साखी गोपाल। बोले श्री साखी गोपाल की, अरे जोर से बोलो, कोई जय के है बोल रहे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन वहां पर जो ठाकुर जी पहले अकेले थे, कृष्ण अकेले, वो राधा रानी थी नहीं। अभी राधा के बगैर कृष्ण का मन कहाँ लगे, वो अकेले खड़े हैं। अभी कृष्ण का मन ही नहीं लग रहा है, वो सोच रहे हैं मेरे पास में मेरी राधा भी आनी चाहिए। अभी क्या हुआ, राधा रानी वो जो पुजारी की बेटी बन करके राधा रानी जन्म ली। अभी वो सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर फूलों की माला पहना बना करके ठाकुर जी के लिए भेजती है, ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बना करके ठाकुर जी के लिए रोज भेजती है। अभी एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी को जब मंदिर में शयन कराते हैं, ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते, कहाँ सोते हैं, उसको बेटी के पास में रात को सोते हैं, उसको बेटी के पास में ठाकुर जी सोते हैं। एक दिन क्या हुआ, अभी पुजारी जी सवेरे सवेरे गए जगाने के लिए ठाकुर जी को। देखो नियम है, जब ठाकुर जी की जगाने के लिए जाओ, हठात पर्दा को नहीं खोलनी चाहिए, पहले ये ताली बजाओ, नहीं तो कोई घंटी बजाओ, पता नहीं ठाकुर जी अंदर में क्या करते होंगे अभी। लेकिन ठाकुर जी कहाँ सो रहे थे, पुजारी की बेटी के पास में। इतने में पुजारी जब मंदिर खोलने के लिए गए और उन्होंने बेल बजाए ना, अभी ठाकुर का नींद खुल गई। ठाकुर जी देखा मैं तो मंदिर में है नहीं, मैं तो बेटी के पास में। इतने में ठाकुर जल्दी से जल्दी भागते हुए मंदिर में आए और ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन जब आए ठाकुर जी, अपना सोने की बंसुरी छोड़ करके आ गए। अभी पुजारी दरवाजा खोल कर देखा, ठाकुर को सोने की बंसुरी नहीं। उसने राजा को बुलाया, महाराज ठाकुर जी की सोने की बंसी चोरी हो गई। राजा ने CID लगा दिया, देखो सोने की बंसुरी कहाँ गई। वो सोने की बंसुरी रानी की, उनकी बेटी को घर से ही सोने की बंसुरी निकली। राजा ने कहा, दुष्ट तुमने सोने की बंसुरी चोरी की और हल्ला मचा दिया, ठाकुर को सोने की बंसी चोरी हो गई। बोले ब्राह्मण को, पुजारी को जेल में बंद कर दो, जेल में बंद हो गया। अभी ठाकुर जी ने देखा, भैया बंसी मैंने चुराया और मेरे ससुर साहब जेल में चले गए। रात को ठाकुर जी स्वप्न दिए, बोले महाराज वो जो बंसुरी है ना, मैंने ही छोड़ करके आया था, आप मेरे को यहाँ अकेले खड़े कर दिए, राधा रानी का बगैर मेरा मन ही नहीं लगता है, उनका जो बेटी ही मेरी राधा रानी बन करके आई है, इसलिए मेरे जितने सब सोने की हीरे की जितने सब अलंकार को लाओ, ला करके वो बेटी को दुल्हनी बनाओ और ला करके मेरे से शादी करवाओ। राजा ने देखा, हे भगवान, ठाकुर जी के ससुर साहब को मैंने जेल में बंद कर दिया है। इतने में उन्होंने जितने अलंकार को लेकर के आए और आ करके लड़की को बड़े सुंदर दुल्हनी बनाए, पालकी में बैठा है और ला करके गाजे बाजा को साथ में लाए। और ठाकुर जी के अंदर में जब वो बेटी प्रवेश की ना, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और दरवाजा खोल करके देखते हैं, वो बेटी है नहीं, वो तो ठाकुर को अंदर में समा गई। फिर राजा ने फिर बड़े सुंदर राधा रानी बना करके ठाकुर जी को पास में रखे। इसलिए जितने सब ठाकुर जी को कहते, ये बज्रनाभ नहीं, ये सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित किया। पुनः ब्रज में जो कुछ देख रहे हो, ये बज्रनाभ का ही ये कृपा है। एक दिन महिषियों ने देखा, कृष्ण विरह में हम सबके सब दुखी, लेकिन जो कालिंदी ये बड़ी प्रसन्न है। बोले कालिंदी, क्या कृष्ण विरह तेरे को है ही नहीं। बोले राधा रानी के आशीर्वाद से मेरे को पता है, कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए, केवल ये राधा रानी की कृपा से ही पता चलती है। बोले भैया, हम सबके सब श्री राधा जी की शरण में जाएंगे। बोले ये रहस्य कौन जानता है, कृष्णा भी वृंदावन में। बोले ये उद्धव जानता है, कृष्ण उद्धव जी को वृंदावन में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी। बोले उद्धव जी अभी कहाँ मिलेंगे। बोले अभी उद्धव जी गिरिराज तलहटी में, अब लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा लगाए, कौन कौन। जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि।
भूल कुंज बिहारी की जय 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 भूल कुंज बिहारी की जय जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की गिरधारी की जय बनवारी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। जब कीर्तन की कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जी जो घास बन करके भजन कर रहे थे उद्धव स्वयं प्रकट हुए। महेश्वर ने कहा हे उद्धव तुम्हें कृष्णा ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी। हम भी अभी कृष्णा विरह में बड़े दुखी अभी बताओ हमें अभी कृष्ण कैसे मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा देखो यही प्रश्न मैंने कृष्ण को भी किया था। कृष्ण जाते समय ये बात मेरे को बोल कर गए। बोले क्या बोल कर गए। बोले कृष्ण बताया देखो एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में दूसरे रूप में रह रहा हूँ। बोले किस रूप में। बोले ये भागवत ग्रंथ रूप में। अगर ये कलयुग में कोई व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा कहते भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात है नहीं। जो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात रूप में मेरे से मिल रहे हैं। बोले भैया फिर तो हमें कथा सुना दो। तो उद्धव जी उद्धव जहाँ पर की उद्धव कुंड है वहीं पर उन्होंने एक महीना तक उन्होंने महिषियों को कथा सुनाई। जब कथा सुनाई ये भागवत कथा से ही स्वयं श्री राधा रानी कृष्ण चंद्र कृष्ण का जितने सखा ग्वाल बाल सबके सब ये भागवत ग्रंथ से ही प्रकाशित हुए। फिर महिषियों ने कृष्ण को साथ में मिल करके इनका जितना विरह दुख था सारे विरह उनकी दूर हो गई हैं। ये दूर हो गई तब यहाँ पर बताए देखो ये जो भागवत जो श्रोता हैं कहते श्रोता दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं जोर से बोलो। आज मैं बोलूंगा कल आपसे मैं सुनूंगा देखूंगा कल मेरे को जो बोलेगा ना उसको इनाम दूंगा इसलिए ध्यान देकर सुनो। श्रोता कितने तरह के हैं क्या क्या बोलो। कहते एक उत्तम श्रोता है एक अच्छे श्रोता है और एक घटिया श्रोता है। कहते जो उत्तम श्रोता वो चार ही तरह के। कितने तरह के क्या क्या है बोलो कौन कौन है किसको याद है। सब चुप हो गए। मैंने कितना बार बताया कोई भी याद नहीं रखे हो। आज आज सुना मैं कल आपसे पूछूंगा ठीक है। पहला नंबर है हंस। अब हंस को दूध दो देखना वो तो दूध दूध पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। वही अच्छे श्रोता हैं जो अपना जीवन में अच्छे अच्छे चीज को तो ग्रहण करे और गंदी चीज को जो छोड़ दे। ये दूसरा पहला नंबर है। दूसरा है मधुमक्खी। कहते एक मक्खी और एक मधुमक्खी। ये मक्खी कहाँ बैठता है देखना गंदी चीज में बैठेगा लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है फूलों में। इसलिए हमें मक्खी नहीं बनकर क्या बननी चाहिए मधुमक्खी बननी चाहिए। भले ही कांटा की वृक्ष में फूल क्यों नहीं हो देखना मधुमक्खी वहां भी बैठ करके शहद को ग्रहण कर लेगा। इसलिए हमें मधुमक्खी बननी चाहिए मक्खी नहीं बननी चाहिए हमें। दूसरा नंबर है मछली। मछली देखे हो कि नहीं कौन कौन मछली देखे हो
आप देखना मछली का जो आंखें हैं पलक कभी झपती नहीं, उनकी पलक हर समय खुली हुई रहती है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं। अब लोग आंख खुले ना बंद करके रखे हो, इसलिए सबके सब आंख खुल करके ध्यान लगा करके नहीं, आंख खुल करके। खोल करके मतलब क्या है? टकटक लगा करके एक मन से कथा सुननी चाहिए। बोले कितना हो गया? कितना हो गया? तीन हो गया। चौथा नंबर है चातक। ये कि चिड़िया होता है वो कभी किसी नदी का पानी नहीं तो तालाब का पानी नहीं पीता है, वो पिएगा जो बारिश होगा, स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है। इसलिए हर समय वो बोलता है प्यासा हम प्यासा हम, मेरे को पानी पानी करके चिल्लाते रहता है। तात्पर्य है सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ऐसे दस दो चार माताएं बैठ बैठ करके उसकी छोरी ऐसे कर रही थी, उसकी छोरा छोरी को लेकर भाग गया, उसको घर में लड़ाई हो रही, सास बोगी कहते भैया बैठ करके दुनियादारी बात नहीं करनी चाहिए, बैठ करके ठाकुर जी की हरी चर्चा करो, ठाकुर जी की चर्चा करनी चाहिए। कहते ये चार तरह के अच्छे स्रोते, कहते चार तरह का घटिया स्रोता होता है। बोलो चार तरह का कौन कौन है? बोले पहला नंबर है घुरुम, ये पक्षी रहता है हिमालय पर्वत में रहता है। इसका एक विशेषत्व है, आप इसको आप जैसे कथा सुनाओ ना वो कथा तो ठीक सुना देगा लेकिन करते समय उल्टा करेगा, एक अक्षर भी भागवत का कोई एक अक्षर भी जीवन में ये उतारेगा कभी नहीं। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर ऊंट। आप लोग ऊंट देखे हो? कौन कौन ऊंट देखे जीवन में? सब देखे हो। आप देखना ऊंट को कोई कोमल कोमल कोई बढ़िया बढ़िया पता दो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबुल का पेड़ कहाँ पर है, कांटा की वृक्ष कहाँ पर, वो कांटा वृक्षों को खाता है और अपना मुंह से खून निकलता है उसको पीता रहता है और उसी में ही खुश रहता है। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा नहीं सुन करके, कौन सा कथा सुनते हैं? बेटी बहुओं की उधर उधर की चुगली निंदा बैठ करके सारे बुराई को सुनेंगे लेकिन भगवान की कथा कभी आपस में चर्चा नहीं करेंगे, हैं? वो कौन है? सबके सब ऊंट है, सबके सब वो ऊंट है। तीसरा नंबर है बैल। बैल को बड़े सुंदर सुंदर कोई फल दे दो नहीं तो उसको घास भूसा दे दो, ये दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है। मतलब है ठाकुर जी की कथा क्यों नहीं हो, नहीं तो दुनियादारी की क्यों बात नहीं हो? भैया बैठ करके कोई भी बात करो बैठ करके, हैं? नहीं कहते भैया बैठ करके बात करना तो ठाकुर का ही बात करो, दुनिया की जो चर्चा करते हैं आप जिसकी बुराई करोगे ना उसका सारे पाप आपको अंदर में आ जाएगा। आप जिसको बुराई करोगे उसकी जितने पाप है सबके सब आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी बैठ करके दुनियादारी इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, बैठ करके हरी चर्चा करो, भगवान की नाम लो, भगवान कितने दुर्लभ जीवन दिया है, एक एक पलक बीतते हुए जा रहा है, हैं? एक जो श्वास चली गई करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को वापस नहीं ला सकते हो, ये श्वास की तभी सार्थकता है जब हमारी श्वास श्वास में ठाकुर जी के नाम निकले। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण कोई भूल नहीं रहा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जोर से बोलो हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप लोगों को बोलो मैं सुनूंगा हरे कृष्ण जोर से, कृष्ण कृष्ण जिसे छत उड़ जाए, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये तीसरे तरह के है। हाँ चौथा नंबर के इस बात को ध्यान देकर सुनो, चौथा नंबर है भेड़िया। भेड़िया मतलब ये छोटे जाति की बाघ होते हैं, जब कोई हिरण कोई सुलीली शब्द सुनकर उसमें मुग्ध हो जाए उसी समय उसको ऊपर आक्रमण करता है। मतलब क्या है? कहते ऐसे कुछ श्रोता लोग है कथा सुनने तो आते हैं, घर छोड़ दिए कथा में आ गए लेकिन कथा में बैठ करके अगर कोई कथा पास में ध्यान से सुन रहा है लेकिन उसको सुनने नहीं देते, बिना कारण के कारण बात करते रहेंगे, तेरे घर में क्या बनाया था, सुना है उसकी छोरी की क्या हुई, पता है इसके बहू घर साथ में सास की लड़ाई हो रही है, हाँ
बैठ बैठ करके बिना कारण के कारण जो कथा सुन रहे हैं खुद भी सुनते नहीं और दूसरों को भी सुनने नहीं देते हैं। कहती है सबके सब भेड़िया है, हैं? इसलिए बोले जो श्रोता तीन तरह के और बताए, एक श्रोता, एक श्रोता और एक सरोता। बोले श्रोता कौन है? जो कथा में आकर के देख देख करके बैठे, कहां पर बैठने पर बढ़िया नींद आई वहीं पर आकर देख बैठे, वो श्रोता है। कहते ये सरोता कौन है? बोले जिनकी कथा से कोई मतलब नहीं। बोले कि भैया भागवत में तोता होते हैं, तोता तो यहाँ लगाएगा, ये नवग्रह तो पूजा, यहाँ पर नवग्रह का पूजा कहाँ है? यहाँ केले के पेड़ है ही नहीं, केले का पेड़ कहाँ है? और एक सात गांठ का बांस काट देते हैं ना जो भूत बनता है, हैं? सात गांठ का बांस, ये यहाँ पर कहाँ है? ये तो कुछ है ही नहीं, ये कौन सा कथा है? जिनको कथा बता से कोई मतलब नहीं, जब केवल ये दोष देखने के लिए आते हैं इनको कहते हैं सरोता, हैं? और तीसरा नंबर है श्रोता। श्रोता मतलब है जैसे चातक है, जैसे हंस केवल जीवन में दूध दूध को लेकर के पानी पानी छोड़ देता है, वही श्रोता है जीवन में जो सार सार को ग्रहण करे और असार को त्याग दे दिया। इसलिए हमारी वैष्णव भक्ति जगत में जो नवग्रह पूजा और जो इधर उधर करते हैं, हमारी वैष्णव जगत में सूची जी है ही नहीं। आप लोग भागवत सुनोगे, जब श्री परीक्षित महाराज आए उनको अभिशाप हुई, जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, जब उन्होंने प्रश्न की आज कल परसों बरसों जो मरने वाले क्या करनी चाहिए, लेकिन जब ऋषि लोग आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे, उन्होंने मन मन में ठाकुर जी को स्मरण किया, ठाकुर जी आप मेरे को मातृ गर्भ में ही आप ही रखा किए हो, मेरी अंतिम इच्छा है तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे 7 दिन बीत जाए। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी आए और बैठे बास उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भागवत में कोई नवग्रह की पूजा, ये पूजा, इधर उधर कोई बात वहां है नहीं, क्योंकि हम लोग केवल भगवान की भक्ति कैसे हो, प्रेम कैसे हो, प्रभु के चरण में हमारी प्रीति कैसे बने, ठाकुर का भक्ति कैसे बने, यही भागवत का यही सारी है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। जय जय श्री राम। भजन गाओ आगे चलिए, हाँ एक सुंदर भजन सुनो, हमारे डोरीलाल प्रभु जी भजन गाएंगे, इसको बाद में फिर कथा सुनेंगे। इनका माइक को थोड़ा सा सही कर दो। तो ये मन कितना चंचल है, अभी महाराज जी ने कथा में श्रवण कराया, पति नंद लला भूत वेद प्रसिद्ध सुभायन सूरते तीसी कोटि की कौन गिने, यहां ब्रह्म हो रहे हो लेपिटा पाल के जीवन मूल
स्वासी कांति के कोटि प्रवान राहो रे मन तो करूं विनती प्रसवान किशोरी के पायन में अपने मन को समझाना है यहां राहो रे मन तो सो करूं विनती प्रसवान किशोरी के पायन में नहीं लगता ये मन भगवान के चरणों में श्यामा जी के चरणों में बार बार गुरु वैष्णव हमको समझाने आते हैं लेकिन नहीं मानता ये मन। सभी भक्तों से मेरा निवेदन कि जिनको भगवान ने जिज्ञासा दी है और हाथ दिए हैं और भूले से भी इस सत्संग में भाग लिया है ये भगवान की विशेष कृपा होती है। हम अपनी इच्छा से नहीं आ सकते और एक लगा तो मैं निवेदन करूंगा एक बार प्रसुभान मंदिर लाल लीजू बरसाने वारी का जयकार हो जाए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे प्रसुभान नंदिनी से लाल लीजू की संतन हितकारी की गुरुदेव की लाड़ली की जय जय श्री राधा। आइए ताली बजा करके और भगवान राधा रानी का गुणानुवाद करेंगे। दीवाने मन खुल करके आने मिलेंगे और भगवान भक्त वत्सल हैं कब किस पर रीझ जाए। दीवाने मन राधे राधे दीवाने मन राधे राधे दीवाने मन राधे राधे कहियो 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 राधे राधे कहियो चरण में मन रहियो राधे राधे कहियो चरण में मन रहियो दीवाने मन दीवाने मन दीवाने मन राधे राधे कहियो 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 राधे 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 राधे
सदा निरस्त कुहकम सत्यंग परम धीमहि। बोले से सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत को प्रारंभ करते हैं वो तीन श्लोक को द्वारा वो प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का तात्पर्य होता है कोई भी काम को शुरुआत करो अगर ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी को नमस्कार करते हुए कोई भी काम करो ना, कहते ना मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी। कहते गुरु वैष्णव भगवान तिनर स्मरणे
तिनर स्मरण है विघ्न विनाशन। संतों की, गुरु की और ठाकुर जी को स्मरण करते हुए कोई काम करोगे वो काम जरूर बढ़िया होगा। इसलिए तीन श्लोक में वो मंगलाचरण करते हैं। पहला जो श्लोक है वो ध्यान है। बोले भैया किसको ध्यान करते हो? बोले सत्यं परम धीमहि। वो जो परम सत्य कौन है? बोले श्री बांके बिहारी। वो हम सबसे पहले श्री कृष्ण कन्हैया को प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की। बोले भैया कृष्ण कन्हैया को करते हो ना, उसको साथ में और कोई है? बोले केवल कृष्ण नहीं, उसको साथ में श्री किशोरी जी को, श्री राधा रानी को भी प्रणाम करते हैं। क्योंकि जो राधा के बगैर कृष्ण आधा है। आप लोग वृंदावन गए होंगे, कौन कौन गए वृंदावन? अब देखना वृंदावन में किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। पीछे वाले चुपचाप बैठे, बोला राधे राधे और जोर से राधे राधे। वहां पर सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोले क्यों, कारण क्या है? बोले कारण है राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधा का नाम लेते ही बिहारी अपने आप वहां पर आ जाते हैं। इसलिए सबके सब श्री किशोर जी का नाम लेते हैं। सर्वप्रथम जो प्रणाम करते हैं श्री जुगल सरकार की, राधा कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। बोले भैया वो कौन है? बोले जन्मादस्य जतः, जिनकी कृपा से ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति और ये प्रलय होता है। जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में सब कुछ तत्वों की उन्होंने प्रकाशित किया। जिनकी माया इतने बलवान है, हम आगे सुनेंगे, जहाँ पर ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ पर स्वयं इंद्र भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ पर 33 करोड़ देवता भी जिनकी माया से मुग्ध हो जाते हैं, वो कौन है? श्री जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण है। बोले श्री राधा कृष्ण की। बोले जो मंगलाचरण की जो दूसरा श्लोक है वो तो प्रतिज्ञा, देखो ध्यान देकर सुनो। ये भागवत कथा की कितने महिमा है, ये भागवत कथा की इतने महिमा, जैसे आपको पता चला भाई कथा हो रही है, अभी कथा में नहीं आए, घर में बैठे हो। अगर किसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो गई भागवत कथा हो रही है, चलो हम कथा सुनने जाएंगे, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, इतना केवल इच्छा होते ही ठाकुर जी उसके हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, जैसे मानो एक व्यक्ति घर में घुसा और अपने आप को कुंडी लगा करके अंदर से बंद कर दिया। केवल सुनने की इच्छा होते ही हृदय में ठाकुर जी बंध जाते हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इतने कथा की महत्व है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित। देखो कथा की क्या महिमा है। बोले श्रुत, अगर कथा में आकर कोई बैठ गया कथा सुने, बोले उसका तो महिमा हम बता ही नहीं सकते हैं। बोले अनुपठित, अगर कोई कथा सुन पढ़ते हैं घर में भागवत, कोई घर में कथा पढ़े, बोले एक श्लोक पढ़े, नहीं तो आधी से आधी अगर किसी घर में भागवत का श्लोक पढ़ लेना, ठाकुर जी राधा रानी को साथ में उसके घर में नित्य निवास करते हैं, ठाकुर जी निवास हो जाती हैं। अगर आदृत व अनुवादित, अगर कहीं कथा हो, अगर किसी व्यक्ति ने इतनी सी बात बता दी, बोले भागवत कथा बहुत अच्छी बात है, कथा होनी चाहिए। अगर इतना कोई बोल दिया ना, वो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, कभी देव द्रोह, कभी विश्व द्रोह क्यों नहीं किया हो, इतना मात्र बोलते ही ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और वह व्यक्ति सारे पाप से मुक्त होकर के ठाकुर के पास में चले जाते हैं। इतने महिमा भागवत कथा सुनने की, केवल अनुमोदन करने की। जो तीसरा जो श्लोक है ये आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद भागवत देता है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। बोले हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हैं। बोले भैया कल्प वृक्ष मतलब क्या? बोले जो मांगोगे वही देगा भागवत आपको, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत संतान, जो रोगी उसको निरोग प्रदान करता है, जो दुखी उसे
सुखी प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करता है, जिसको संतान नहीं उसे संतान प्रदान करती है, और जिसकी हृदय में प्रभु की मुक्ति की इच्छा उससे मुक्ति, और जिसकी प्रेम की इच्छा उसको ठाकुर जी प्रेम देते हैं। इसलिए भागवत यहाँ बोलता है, देखो ये दुनियादारी वस्तु तो ठाकुर अपने आप दे देते हैं, विशेष करके भागवत से उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी प्रेम का आप प्रार्थना करो। अगर हृदय में ठाकुर का प्रेम आ गया ना, समझो तुम्हारे हृदय में सब कुछ आ गया। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, भगवान की भक्ति कितनी बड़ी चीज है। बोले एक समय कोई एक अंधा था, उसने शंकर जी की उपासना की। शंकर जब खुश हुए, बोले बेटा वर मांगो। वो पहले सोच करके आया था, शंकर अगर दर्शन देना मैं 3 वर मांगूंगा। बोले 3 वर क्या मांगूंगा? बोले मैं तो अंधा, पहले मेरे का आंख मिल जाए, दूसरा बात किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए, और तीसरा बार कुछ धन दौलत, पहले सोच करके आया था। शंकर जी ने कहा, देखो जो कुछ मांगना मेरे को एक बार से मांगना पड़ेगा, ये 3 नहीं दे सकता, एक बार जो कुछ मांगोगे एक बार से मांगना पड़ेगा। लेकिन वो अंधा बड़ा चतुर था, बोले कोई बात नहीं एक ही बार दे दो। बोले क्या बताओ? बोले राज महल के ऊपर में हाथी के ऊपर में मैं अपना बेटे को सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो। शंकर जी बोले बड़ा चला गए राजमहल के ऊपर में, भैया कौन हाथी को पीठ ऊपर को बैठ कौन बैठता? राजा महाराजा बैठता है।